Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today we start new chapter data handling, and your content is data frequency distribution table. So student, what is data? Data is a collection of facts and figures. So why we learn data? Data handling refers to the systematic organization of data. It is an important requirement in daily life to complete the work smoothly and in an organized way. So student, data हम कहाँ कहाँ use करते हैं अपनी daily life में. आप देखते होंगे आपका कुछ record रखा जाता है school में, वो data होता है कि आप कौन से दिन present हुए और कौन से दिन absent हुए. इसी तरीके से कई सारे applications हैं data handling के, जैसे government record में government record रखती है पॉपुलेशन काउंट करने के लिए, कितने लोगों को जॉब रिक्वायर्ड करना है, कितने लोगों को जॉब नहीं देना है. इसी तरीके से स्कूल में भी होते हैं, चिल्ड्रेन का डेटा रखा जाता है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दियर पर्सनल इंफॉर्मेशन. जैसे लाइब्रेरी की अगर हम बात करें, सो डेटा ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेरियस बुक नीड टू ऑर्गेनाइज. लाइब्रेरी का भी एक डेटा बनाया जाता है, कौन सी बुक आनी चाहिए, कौन सी बुक कितनी होनी चाहिए, और कौन सी बुक इंग्लिश की कितनी होनी चाहिए, हिंदी की कितनी बुक्स होनी चाहिए. तो हर जगह हम क्या बनाते हैं, डेटा बनाते हैं. जैसे मेडिकल स्टोर में पोजीशन ऑफ डिफरेंट मेडिसिंस कहाँ कहाँ रखी जाएंगी, सो डैट दे कैन प्रोवाइड टू द कस्टमर विदाउट मेकिंग देम वेट. अगर हम देखें तो हर जगह डेटा का यूज़ होता है. जैसे कंपनी में एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड, उनकी डिटेल, उनका वर्क एक्सपीरियंस, ये सब का डेटा रिकॉर्ड रखते हैं. हर जगह यूज होते हैं डेटा. सो डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर. टू स्टडी एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा वी अरेंज इट इन डिफरेंट वेज एंड देन स्टडी. हियर यू विल स्टडी सम डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा. सो लेट्स लर्न अबाउट. So frequency distribution table, suppose a dice is rolled 10 times with the following result. एक डाइस को हमने रोल्ड किया 10 times. कौन कौन सा रिजल्ट आया, जब हमने फर्स्ट टाइम रोल्ड किया तो कितना आया, 6 आया. आफ्टर डैट 5, 4, 4, 1, 2, 2, 3, 2, 6. हमने 10 टाइम्स रोल्ड किया, क्या क्या आया, 6 आया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 5 आया, 4, 4, 1, 2, 2, 3, 2, 6. नाउ सीन द रिजल्ट एज गिवन, वी कांट फिगर आउट विच नंबर्स अपीयर्ड हाउ मेनी टाइम्स. अब हमको पता करना है कौन सा नंबर कितने टाइम्स आया. सो व्हाट वी डू, थस वी प्रिपेयर्ड अ फॉलोइंग टेबल्स where we represent the number of occurrence of any particular number by the corresponding number of tally marks which we represent as. तो हम इसको कैसे show करेंगे, tally marks के through show करेंगे. जैसे tally mark क्या होती है, अगर हमको 1 represent करना है तो हम एक vertical line represent करेंगे, 2 represent करना है तो 2 vertical line, 3 तो 3 वर्टिकल लाइन. ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, टैली मार्क्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं. 4 टाइम्स हो जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 4 वर्टिकल लाइन. 5 टाइम्स हो जाएगा तो टैली मार्क कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 टू रिप्रेजेंट 5, वी ड्रॉ 4 वर्टिकल लाइन एंड 1 स्लैंटिंग लाइन, वी ड्रॉ अ स्लैंटिंग मार्क ओवर द 4th टैली मार्क लाइक दिस. ये 4th टैली मार्क पे एक स्लैंटिंग लाइन हम बना देंगे तो ये 5 हो जाएगा. मीन्स ये 1 हो गया, 2, 3, 4 और एक जो स्लैंटिंग लाइन है ये 5 हो गया. अब हम 6 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टू रिप्रेजेंट 6 वी ड्रॉ 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि जब हम 5 बनाते हैं तो 1 स्लैंटिंग लाइन देते हैं 4th टैली मार्क के ऊपर.
आफ्टर डेट सेवन कैसे ड्रॉ करेंगे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। सो आपने देखा हमने टैली मार्क शो किया, वन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थ्री कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। डाइस में कितने नंबर होते हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स नंबर होते हैं। अब बताइए वन कितनी टाइम्स आया है। अब हम इसको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसको शो करेंगे, ये जो आया है। सो आप देखेंगे वन कितनी टाइम आया है, वन टाइम, तो वी राइट हियर वन। टू कितनी टाइम्स है? वन टू थ्री, थ्री टाइम्स। थ्री कितनी टाइम्स है? वन। फोर कितनी टाइम्स है? वन टू, टू टाइम्स। फाइव कितनी टाइम्स है? वन, वन टाइम्स। सिक्स कितनी टाइम्स है? वन टू, टू टाइम्स। फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार कौन सा नंबर आया है। फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी टाइम्स आया है। वन, वन टाइम, टू थ्री टाइम्स, थ्री वन टाइम, फोर टू टाइम्स, फाइव वन टाइम, सिक्स टू टाइम्स। अब हम टैली मार्क ड्रॉ करेंगे, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? वन है तो वन, थ्री है तो थ्री वर्टिकल लाइन, वन टू थ्री, वन है वन वर्टिकल लाइन, टू है तो वन टू, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी वन है तो वन वर्टिकल लाइन, और टू है तो टू वर्टिकल लाइन। टोटल्स कितने टाइम्स हमने रोल्ड किया था? टेन टाइम्स। तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया टैली मार्क्स में। आर यू अंडरस्टूड कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है टैली मार्क्स में? लाइक दिस। नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम अगर टैली मार्क ड्रॉ करेंगे तो वन वर्टिकल लाइन, टू तो टू वर्टिकल लाइन, थ्री थ्री वर्टिकल लाइन, फोर फोर एज फोर वर्टिकल लाइन, फाइव एज फोर वर्टिकल लाइन एंड वन स्लैंटिंग लाइन। तो ये फाइव हो गया, फाइव वन सिक्स, फाइव टू सेवन, फाइव थ्री एट, फाइव फोर नाइन, फाइव फाइव टेन। अगर आपको इलेवन ड्रॉ करनी होगी तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, लाइक दैट। आप कोई भी नंबर आप टैली मार्क में शो कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टूड? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल। एग्जांपल वन, 60 स्टूडेंट्स गेव अ टेस्ट। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स मार्क्स कितने कितने आए हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये सब मार्क्स आए हैं। 60 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है, मीन्स वन स्टूडेंट का मार्क्स कितना आया है, जीरो, थ्री स्टूडेंट का वन, सिक्स स्टूडेंट का टू, नाइन स्टूडेंट का मार्क्स थ्री आया है, एट स्टूडेंट का फोर, इलेवन स्टूडेंट का फाइव, एट स्टूडेंट का सिक्स, सेवन स्टूडेंट का सेवन मार्क्स, फोर स्टूडेंट का एट मार्क्स, वन स्टूडेंट का नाइन मार्क्स एंड टू स्टूडेंट का टेन मार्क्स आया है। अब इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर टू और लेस, कितने बच्चे हैं जो टू पाए हैं या टू से कम पाए हैं। तो ये देखिए टू है और टू से कम वाला क्या है, ये है, तो हम काउंट कर लेते हैं। ये हो गया सिक्स, सिक्स थ्री नाइन, नाइन वन टेन, मीन्स टेन स्टूडेंट गेट्स टू मार्क्स और लेस देन टू मार्क्स। नाउ क्वेश्चन बी है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर सेवन, कितने स्टूडेंट को सेवन मार्क्स मिला है। सो देखिए यह सेवन मार्क्स है, तो कितने स्टूडेंट को सेवन मार्क्स मिला है, सेवन, सेवन स्टूडेंट स्कोर सेवन मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सी,
हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर 5 और मोर देन 5? कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 5 और 5 से ज़्यादा पाया हुआ है मार्क्स? तो ये देखिए 5 मार्क्स ये है और 5 से ज़्यादा ये सब मार्क्स है 6, 7, 8, 9, 10। तो हमको 5 और मोर देन 5 पता करना है। लेट्स ऐड, ये कितने हो गए? 11 स्टूडेंट जो 5 पाए हैं, एंड 5 से मोर ये हो गए 8 स्टूडेंट, यहाँ 8। नाउ 7 स्टूडेंट, 7, 4 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट एंड 2 स्टूडेंट जो 5 और 5 से ज़्यादा पाए हैं, इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 8, 1, 9, 9, 7, 16, 16, 4, 20, 23, 23 को 3, 2 carry, 2, 1, 3, 33 means 33 student score 5 or more than 5 marks. I hope you understand this question very well. Let us understand frequency distribution table by another example. Now example 2, the goals scored by a team in 7 matches is given below as 3, 0, 3, 5, 5, 4, 5. 7 matches हो रहे हैं और जो टीम के द्वारा मार्क्स पाए गए हैं, द गोल स्कोर कितने स्कोर पाए गए हैं? फर्स्ट मैच में 3, सेकेंड मैच में 0, थर्ड मैच में 3, फोर्थ मैच में 5, फिफ्थ मैच में 5, सिक्स मैच में 4, सेवन मैच में 5। प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैचेस, कितने मैच हुए हैं, टैली मार्क यहाँ बताएंगे, फ्रिक्वेंसी मीन्स कितने कितने स्कोर हर मैच में पाए गए हैं। सो पहले लिख देते हैं कितने मैच हुए हैं। मैच 1, मैच 3, मैच 4, मैच 5, मैच 6 एंड मैच 7, 7 मैच हुए हैं। ओके, नाउ फर्स्ट मैच में कितने स्कोर हुए हैं? 3, एंड सेकेंड मैच में 0, थर्ड मैच में 3, फोर्थ मैच में 5, फिफ्थ मैच में अगेन 5, सिक्स मैच में 4, सेवेंथ मैच में 5। सो अब हम टैली मार्क बनाएंगे। टैली मार्क कैसे बनाते हैं? वर्टिकल लाइन 1, 2, 3, 3 गोल स्कोर किए गए हैं, तो 3 मैच 2 में 0 है तो हम टैली मार्क नहीं बनाएंगे। नाउ मैच 3 में कितने टैली मार्क्स बनेंगे? 1, 2, 3, फोर्थ में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, मैच 5 में भी 5, मैच 6 में 1, 2, 3, 4, मैच 7 में 1, 2, 3, 4, 5। सो इस तरीके से आप टैली मार्क बनाएंगे। आर यू अंडरस्टूड? नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजेस ए स्टिक, बी लाइंस, सी टैली मार्क्स एंड डी नन ऑफ दीज। एंड योर करेक्ट आंसर इज सी टैली मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डेटा इज द कलेक्शन ऑफ ए फैक्ट्स एंड फिगर, बी नंबर्स, सी लाइंस, डी नन ऑफ दीज। एंड योर करेक्ट आंसर इज ए फैक्ट्स एंड फिगर। क्वेश्चन नंबर 3, द टेबल अलॉन्ग साइड शोज द कलर प्रिफरेंस। यहाँ पे कलर्स कुछ गिवन है, कलर्स टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, ग्रीन कलर है 6, ऑरेंज है 5, ब्लैक है 4, पिंक है 10। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर देने हैं। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, द कलर विच इज मोस्ट प्रिफर्ड। कौन सा कलर सबसे मोस्ट प्रिफर्ड है, सब कौन से कलर में सबको ज़्यादा इंटरेस्ट है? ए ऑरेंज, बी ग्रीन, सी पिंक, डी ब्लैक। एंड योर करेक्ट आंसर इज पिंक। देखिए पिंक में सबसे ज़्यादा है जो लोगों को पसंद है, सो पिंक इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 2, द कलर विच इज लीस्ट प्रिफर्ड इज। कौन सा कलर है जो सबसे कम लोगों ने पसंद किया है?
ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी पिंक, ऑप्शन डी ऑरेंज। एंड योर करेक्ट आंसर इज ब्लैक। देखिए यहाँ पे 4 है ना, सबसे लीस्ट है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्लैक। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम, एक्सरसाइज 22A। क्वेश्चन 1, दीज आर द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड एट द लोकल शॉप इन अ वीक। एक लोकल शॉप में ये न्यूज़पेपर सोल्ड होते हैं, बिकते हैं, तो कितने कितने बिकते हैं देखिए। डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। नंबर ऑफ पेपर सोल्ड, मंडे को 18 पेपर सोल्ड हुए, ट्यूसडे को 20, वेंसडे को 23, थर्सडे को 20, फ्राइडे को 24, सैटरडे को 21 एंड संडे को 22। प्रिपेयर्ड अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने हैं, सो आप बना लेंगे ना। कैसे बनाएंगे, पहले आप क्या लिखेंगे, डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक। आफ्टर डेट टैली मार्क्स लिखेंगे, क्योंकि आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग करना है। सो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम करते हैं, टैली मार्क के अकॉर्डिंग। आफ्टर डेट फ्रिक्वेंसी, ऐसे आप राइट करेंगे और कॉलम बना लेंगे। आपको कॉलम बनाने आता है ना। मंडे को कितने पेपर सोल्ड हुए हैं, 18, तो आप कैसे 18 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरीके से आप टैली मार्क बनाएंगे। ओके, इसी तरीके से आप ट्यूसडे का, वेंसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का एंड संडे का खुद से बनाएंगे। ओके, इसके नीचे नीचे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए डाइस वाज थ्रोन 15 टाइम्स, द फ्रीक्वेंसी टेबल इज शोन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग इट, स्कोर, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। 15 टाइम्स डाइस को थ्रो किया गया है। अब 1 कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, 2 कितनी टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है, 3 कितनी टाइम्स आया है, 4 टाइम्स आया है, 4 कितनी टाइम्स आया है, 1 टाइम आया है, 5 कितनी टाइम्स आया है, 1 टाइम्स आया है, 6 कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको ये तीनों के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कोर इज मोस्ट फ्रिक्वेंट, कौन सा सबसे ज़्यादा है। सो तो सेकेंड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर बी है, विच स्कोर इज और आर द लीस्ट फ्रिक्वेंट, सबसे कम किस में है, 4 एंड 5। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4 एंड 5 स्कोर आर द लीस्ट फ्रिक्वेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी है, विच टू स्कोर हैव इक्वल फ्रिक्वेंसीज, कौन से दो ऐसे स्कोर हैं जो इक्वल फ्रिक्वेंसीज आए हैं उनके। सो 4 नंबर और 5 इक्वल आया है, मीन्स 1-1 टाइम आया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 4 एंड 5 हैव इक्वल फ्रिक्वेंसीज। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट कंटेंट ऑफ डेटा हैंडलिंग। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।